नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। हनुमान बेनीवाल बोले, मोदी शाह आएंगे, जीत की रेखा मेरे हाथ में, वसुंधरा से टक्कर ली। आज वे कहा, गहलोत के बेटे को चुनाव हराया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए प्रचार में मोदी शाह आएंगे, लेकिन जीत की रेखा सिर्फ मेरे हाथ में है। मैंने वसुंधरा से टक्कर ली है, आज वे कहा है, मैंने गहलोत से टक्कर ली, उनके बेटे वैभव को चुनाव में हरा दिया। बेनीवाल ने मदन राठौर पर भी हमला करते हुए आरएलपी नेता थाना सिंह डोली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा नेता बताया। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने यहां से पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। पत्नी के समर्थन में मंगलवार रात 11 बजे हनुमान बेनीवाल असावरी गांव पहुंचे थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा, मुझे किसी ने नेता नहीं बनाया, मैंने कई लोगों को नेता बनाया है। वे लोग मेरा फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। ये बालोतरा का थान सिंह डोली मदन राठौर से बड़ा नेता है। ये मंच पर बैठा है, बालोतरा का बड़ा नेता है। बेनीवाल ने कहा कि कोई बड़ा नेता कैसे बनता है, जो चुनाव लड़ता है और उसके 25 से 30 हजार वोट आते हैं, वो नेता हो जाता है। कोई टिकट लेकर घर बैठ गया और फिर हाथा जोड़ी करके कहीं दूर जगह बैठ गया होगा, ऐसे कोई मेरी राजनीति कहाँ से खत्म कर देगा।